कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक देशों की अबू धाबी में प्रस्तावित बैठक से पहले शुक्रवार को कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के स्तर से नीचे आ गया। यह अप्रैल 2018 के बाद पहली बार $70 प्रति बैरल के स्तर से नीचे आया है। लंदन में सुबह के सौदों में ब्रेंट क्रूड जनवरी डिलीवरी 96 सेंट गिरकर $69.69 प्रति बैरल आ गया है। अमेरिका में तेल भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में यह गिरावट आई है। इस सप्ताहांत पर ओपेक और गैर ओपेक प्रमुख कच्चा तेल उत्पादक देश कीमतों में गिरावट के मद्देनजर उत्पादन में संभावित कटौती को लेकर अबू धाबी में बैठक करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 3 अक्टूबर 2018 को ब्रेंट क्रूड $86.74 प्रति बैरल पर था, जो 9 जनवरी 2018 को घटकर $69.70 प्रति बैरल पर आ गया। WTI क्रूड भी करीब 20% घटकर $65.60 प्रति बैरल पर आ गया। सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमत एक पखवाड़े पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चल रहे क्रूड की कीमत और मुद्रा में उतार चढ़ाव के हिसाब से तय करती है। इस हिसाब से अभी भारत में अगले लगभग एक पखवाड़े तक पेट्रोल डीजल सस्ता मिल सकता है। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में मालूमी गिरावट आई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 15 पैसे की कटौती की गई। वहीं मुंबई में पेट्रोल के रेट में 15 पैसे और डीजल में 16 पैसे की कटौती की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 78.6 प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 83.57 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 72.74 रुपए प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में डीजल के रेट 76.22 रुपए प्रति लीटर है। केंद्र सरकार द्वारा शुल्क घटाए जाने के बाद शुक्रवार को लगातार 21वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हुई है। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को दिल्ली में पेट्रोल 84 रुपए लीटर तथा मुंबई में 91.34 रुपए प्रति लीटर हो गया था। उस दिन डीजल दिल्ली में 75.45 रुपए प्रति लीटर तथा मुंबई में 80.10 रुपए प्रति लीटर था। इससे पहले इन दोनों ईंधनों के दाम में 16 अगस्त से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के अनुसार 16 अगस्त से 4 अक्टूबर के दौरान पेट्रोल 6.86 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल 6.73 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था।